लागी दिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज देखो हम लोग अभी गुरु वैष्णव के अनुगत्य में अभी श्री धाम मथुरा परिक्रमा करते करते अभी जहाँ पर पहुंचे हैं, ये स्थान का नाम क्या है? दुर्वासा तीलावा दुर्वासा मंदिर है। कहते उसी कोने में देखो जो बैठे हुए बाबा है, कहते ये श्री दुर्वासा जी है। ये कौन है? कहते ये दुर्वासा जी है। कहते जो दुर्वासा जी, कहते ये सत्य युग से यहाँ पर जो लीला, ये सत्य युग से है। कौन सा युग से? कहते ये सत्य युग से। बंगाली मायरा हिंदी बुझते मारे कि ना? हाँ, अपना सब पंडित आ सब ऐसे नहीं जगह नहीं हलो। सत्य युग से ये लीला स्थली है, है? सत्य युग से। कहते ये दुर्वासा जी है कौन? बोले ये दुर्वासा और कोई नहीं, ये दुर्वासा स्वयं शंकर जी। शंकर जी का प्रकाश ही कहते ये श्री दुर्वासा जी है। कहते यहाँ पर जब दुर्वासा ऋषि यहाँ रहते थे, कहते श्री अम्बरीश महाराज, ये मथुरा आप लोग परिक्रमा करते करते गए होंगे, वहां पर एक अम्बरीश टीला है। श्री अम्बरीश महाराज अपना पत्नी को साथ में यहीं पर आकर के एक साल तक उन्होंने एकादशी व्रत पाल रखी और यहीं पर भजन करते थे। एक समय श्री अम्बरीश महाराज एकादशी व्रत रखे, एकादशी व्रत करके नियम है दूसरे दिन अपना टाइम के अंदर में व्रत खोलनी चाहिए, फिर वो व्रत का पूरा फल मिलता है। लेकिन व्रत खोलने से पहले एक नियम है, अगर किसी साधु संतों को, किसी साधु गुरु वैष्णव को अगर भोजन करा के अगर वो व्रत खोलना, वाह बढ़िया फल मिलता है। जब श्री अम्बरीश महाराज अभी व्रत खोलने जा ही रहे थे, इतने में श्री दुर्वासा जी आ गए। इनको देख करके अम्बरीश महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, अहो भाग्य है आज हमारे घर में संत वैष्णव आए हैं, आज वैष्णव को भोजन करा के आज मैं अपना व्रत खोलूंगा। इतने में बोले कृपा करके जाओ, यमुना में स्नान करके आओ और आपको भोजन करा कर मैं व्रत खोलूंगा। अभी श्री दुर्वासा जी जब यमुना में स्नान कर रहे थे, अभी स्नान करते 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 बड़ा लेट हो गया। लेट हो गया तो अभी अम्बरीश महाराज बड़े दुविधा में पड़ गए, अभी मेरे को क्या करनी चाहिए? क्योंकि जब घर में कोई साधु गुरु वैष्णव आए, नियम होता है पहले उनको खिलाओ, खिला करके फिर भोजन करो। ऐसे नहीं घर में कोई साधु गुरु वैष्णव आए, पहले तो उनको खिलाया नहीं, पहले भोजन कर लिया, ये अपराध है। लेकिन अभी सोच रहे हैं क्या करनी चाहिए, अभी तक आए नहीं रहे हैं। अभी जो व्रत खोलने का जो निर्दिष्ट एक समय, वो धीरे 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 वो समय बीतते जा रहा था। अभी उन्होंने ब्राह्मण का परामर्श लिया, आप बताओ हमें अभी क्या करनी चाहिए। ब्राह्मण लोगों ने कहा देखो आपने जो व्रत रखा ये निर्जला व्रत है, पानी तक भी आप नहीं पीते थे। अगर आप ठाकुर जी की छोटी सी चरणामृत लेकर के अगर व्रत खोल दोगे, चरणामृत लेने से उसको भोजन का अंदर नहीं आता है, आपका व्रत भी खोलना हो जाएगा और जो घर में साधु आए हैं उनका भी आतिथ्य सत्कार भी हो जाएगा, दोनों काम आपके हो जाएगी। अभी उन्होंने ब्राह्मण का परामर्श से उन्होंने मुंह में थोड़ी सी चरणामृत डाले। दुर्वासा जी त्रिकाल दृष्टा वो सब जानते हैं, अभी स्नान कर रहे थे। दुर्वासा जी को पता चला मेरे को भोजन किए बगैर अभी भोजन किया। दुर्वासा जी आए और आकर के बोले तू गृहस्थ होकर के, हम त्यागी है, तुम गृहस्थ हो, गृहस्थ होकर के साधु का अपमान किया। उन्हें उठाया, जटा से एक पाल को काटे अब पटक दिया तो एक राक्षस प्रकट हो गया। बोले जाओ श्री अम्बरीश महाराज को विनाश कर दो। लेकिन अम्बरीश महाराज कौन है? बोले पांच तरह का भक्त है। कितने तरह का भक्त? बांगाली मायरा ने उसमें ताकत है। बोले बाबा की बोलचे ওখানে বাংলা বলেছিল কেন সে কি বলতে কড়মড় করতে আরম্ভ করে দিয়েছে। এই জন্য গালা গাল দিচ্ছে না বাবা, এই জন্য হরে কৃষ্ণ। এখন অম্বরীশ মহারাজ হলেন ভক্ত, কি ভক্ত? বলে জ্ঞানী ভক্ত, তিনি হলেন শুদ্ধ ভক্ত, তিনি
তিনি হলেন শুদ্ধ ভক্ত, অতএব তিনি হলেন শরণাগত ভক্ত। শরণাগতি পাঁচ ছয় প্রকার হলো শরণাগতি, তাদের মধ্যে একটি শরণাগতি হলো রক্ষিষ্যতি ইতি বিশ্বাস, মানে ভক্ত লোক ভগবান কে উপর মে পূর্ণ বিশ্বাস রাখতে হে, ভগবান জরুর হমে রক্ষা করেঙ্গে, অবশ্য রক্ষবে কৃষ্ণ বিশ্বাস পালন। অভি তো ভগবান কি শুদ্ধ ভক্ত বলে রাখে হরি তো মারে কে, আর মারে হরি তো রাখে কে, যা কে রাখে সাইয়া মার সকে না কই, বাল না বঙ্কা কর সকে জো জগ বৈরি হই। অভি সো শরণাগত ভক্ত জব উনু কবর কৃত্যা কো লিখে কি वो हाथ जोड़कर खड़े हुए थे, अगर ठाकुर की इच्छा होगा तो मरेंगे, अगर ठाकुर की इच्छा नहीं होगा तो मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इतने में सुदर्शन चक्र वहां पर प्रकट हो गया और सुदर्शन चक्र उन्होंने वो राक्षस को मार करके फिर उन्हें दुर्वासा जी का पीछा किया। दुर्वासा जी पहले ब्रह्मा जी के पास भी गए, ब्रह्मा जी बोले मैं रक्षा नहीं कर सकता हूँ, नहीं तो हमारे ब्रह्म पद ही नष्ट हो जाएगा। फिर गए शंकर जी को पास में, अपना गुरु जी को पास में, शंकर जी ने कहा भैया मैं रक्षा नहीं कर सकता हूँ, नहीं तो मेरे कैलाश कैलाश ही ध्वंस हो जाएगा। एक परामर्श दे सकता हूँ, जिनका चक्र तुम वहीं पर जाओ, उसके शरण में जाओ। तो उन्होंने कहां पर गए, बोले वैकुंठ में गए। जब वैकुंठ में वहां पर गए बोले प्रभु त्राही माम त्राही माम, हमें रक्षा करो हमें रक्षा करो। त्राही माम मधुसूदन, बोले क्या हो गया, बोले ये सुदर्शन चक्र मेरा पीछा कर रहा है, सुदर्शन चक्र मेरे पीछा कर रहा है। भगवान ने कहा भैया बात किया, बोले बात ऐसे ऐसे है। बोले दुर्वासा जी ये बताओ, तुम तो ब्रह्मर्षि, अम्बर्षि महाराज गृहस्थ, तुम ब्रह्मर्षि अपने आप को अभिमान करते हो, हम ब्रह्मर्षि और वो गृहस्थ, हमें बिना खिलाए उसने भोजन कर लिया था, तुम ये सोच रहे हो। लेकिन देखो अम्बरीश महाराज के ऊपर में जब तुमने कृत्या निकम किया था, अम्बरीश महाराज ने भाग दौड़ किया था, वो तो हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं, जाकर आके साइया मार सके ना कोई, और तो ब्रह्मर्षि होकर दर दर भटक रहे हो, ब्रह्मा जी को पास में शंकर जी को पास में, यहाँ तक में तुमने वैकुंठ में तक भी आ गया, वैकुंठ भी नहीं छोड़ा है। अभी तुम देखो, तुम बड़ा भक्त ना, अम्बरीश महाराज बड़ा भक्त है, इसलिए बोले त्यागी हो गृहस्थ हो भक्त भेद नाही, भक्त भेद कर ले से कुंभी पाकी जाए। कहते कोई गृहस्थ क्यों नहीं हो, कोई त्यागी क्यों नहीं हो, लेकिन भक्त में भेद नहीं करनी चाहिए है। जई भजे सही बड़ा अभक्त ही निचार, कृष्ण भजन नहीं जाती कुलाद विचार, भगवान की भजन में ये नहीं जाति कुल का कोई विचार नहीं, जो भजन करता है वही बड़ा है, हाँ वही बड़ा है। देखो उसका शरणागति देखो, और तो कहाँ कहाँ भटक रहे हो, बोले देखो तुम मेरे पास में दया लेने के लिए आए ना, बोले हाँ, बोले दया तो हृदय से होता है, लेकिन हृदय तो मेरे पास में ही, हृदय तो अम्बरीश महाराज के पास में, अम्बरीश महाराज का हृदय मेरे पास में, अरे दया कैसे करूंगा। देखो अगर कांटा अगर प्यार में चुभ जाए ना, सर में नहीं निकलता है, वो किधर निकलेगा, वो प्यार से निकलेगा। कांटा तुमने चुभा कहा, तुमने अपराध कहा किया, अपराध तुमने अम्बरीश महाराज के पास में किया, और माफी कहा मांग रहे हो मेरे पास में, भैया माफ नहीं हो सकती है, हैं? देखो जो व्यक्ति जो साधु क्या करते हैं, अपना स्त्री पुत्र परिवार दुनियादारी सब कुछ वो त्याग दे करके मेरे शरण में आते हैं, जो व्यक्ति सब कुछ छोड़ करके मेरे शरण में आए हैं, बताओ मैं उनको कैसे त्याग दे सकता हूँ। भैया मैं त्याग नहीं दे सकता हूँ, इसलिए जाओ अम्बरीश महाराज के पास में। फिर उनको वैकुंठ से अम्बरीश महाराज के पास में आए, और उनको पूरा घूमते घूमते एक साल हो गया, लेकिन अम्बरीश महाराज एक साल तक कुछ भोजन नहीं किया, उनने कोई भोजन नहीं किया। जब श्री अम्बरीश महाराज के पास में आए, दुर्वासा जी कहते हैं आज मैंने भक्तों की महिमा को मैंने दर्शन किया, भक्तों की कितने महिमा है, आज मैंने भक्त की महिमा दर्शन किए। इतने में अम्बरीश महाराज ने सुदर्शन चक्र को प्रार्थना किया, हे सुदर्शन चक्र अगर हमने कोई पुण्य किया है उसका फल देता हूँ, अब शांत हो जाओ। जो बोले ना सुदर्शन चक्र वहीं से वापस चले गए, वहीं से वापस चले गए।
और उन्होंने माफी मांगी। कहते वो घटना कहां पर? बोले यहीं पर। इसलिए पास में श्री अंबरीश महाराज का टीला है और यही दुर्वासा जी रहते थे, यही सही दुर्वासा जी उनको घर में गए थे। ये लीला भी यहीं पर हुई और यहीं पर कहते जो दुर्वासा जी, कहते जो दुर्वासा जी थे, एक समय ये दुर्वासा जी गए थे कहां पर? नंद भवन में। कभी गए नंद भवन में गए तो राधा रानी ने दुर्वासा जी को बड़ी पूजा की, बड़ी सेवा की। बस दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के बोले हे राधे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम अमृत हस्ता बनोगे। अमृत हस्ता मतलब तुम्हारे हाथ में जो कुछ खाना मिलेगी वो अमृतमय होगा, वो अमृत होगा। क्यों? अभी प्रश्न होता है, क्या दुर्वासा जी राधा रानी को वरदान दे सकते हैं? जो सर्व लक्ष्मी वही राधा रानी है, सर्व कांति सर्वमोहिनी परा, जिनसे सारी शक्ति प्रकट होती है, श्याम सुंदर में जिनकी चरण की आराधना करती है, पूजा करती है, क्या श्री फिर उनको वरदान दे सकता है? दुर्वासा जी वरदान दे सकते हैं? बोले नहीं, उनको वरदान नहीं दे सकते। लेकिन यह लौकिक लीला है, लौकिक लीला है, इसलिए उनको पता है एक दिन राधा रानी कौन है, कृष्ण की लाडली शक्ति, स्वरूप शक्ति, इनकी पराशक्ति है। इसलिए उन्होंने आशीर्वाद दिया, तुम जो कुछ खाना बनाओगी, तुम्हारे हाथों में जो कुछ बनेगी ना, सब का सब अमृत बनेगा, सब का सब अमृत। पता है एक दिन से राधा रानी मेरे प्रभु कृष्ण सेवा करेगी, इसलिए उनको आशीर्वाद दी थी, हैं? इसलिए राधा रानी अमृत हस्ता। जब तक राधा रानी कोई चीज नहीं बनाते थे ना, कृष्ण भोजन नहीं करते थे, और जो जो कुछ खाना बनाए बनाए, लेकिन श्री राधा रानी एक मनोहर लड्डू बनाती थी। शाले बाले लाडू खाए श्री मधु मंगल बगल बजाया, ते हरि बोल भज श्री गौर हरि। इसलिए इनके आशीर्वाद से राधा रानी जो लड्डू बनाती थी, कृष्ण लड्डू खाकर खुश हो जाते थे, और सखा लोग लड्डू खा करके ना बगल उस बार तो खूब भालो लड्डू, खूब भालो लड्डू नाश्ते आरंभ कर तो दुर्वासा वरदान थी राधा रानी, तो सुंदर थी राना वाना करते थे। एक समय यही दुर्वासा ऋषि थी जखन कुंती है, कुंती जखन छोटे छिले, कुंती माँ जखन छोटी थी, ये कभी गई है, कभी हस्तिनापुर गई, वहां पर भी माता कुंती ने दुर्वासा जी को सेवा की। सेवा की तो दुर्वासा जी को पता है भविष्य में क्या होने वाला है भविष्य में, इसलिए श्री दुर्वासा जी माता कुंती को एक माला दी थी, एक माला दी थी। बोले देखो ये माला में जप करते हुए तुम जिनको स्मरण करोगे ना, वही वहां पर प्रकट होगा, वही वहां पर प्रकट होगा। जिस समय से पांडु ने शरीर त्याग दे दी, अभी इनका वंश कैसे चलेगा, इनकी वंश कैसे चलेगी? इतने में कुंती ने बोले देखो मेरे, मैं जब छोटा था दुर्वासा जी मेरे को एक दिया था माला, दुर्वासा जी ने माला दिया था, बोले ये माला को तो जब करते हुए जिसको स्मरण करोगे वही वहां प्रकट होगी, बोले अभी तुम स्मरण करो। इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम उन्होंने सूर्य देवता को स्मरण किया। सूर्य देवता को स्मरण करते ही सूर्य की कृपा से ही कहती है कुमारी अवस्था में कर्ण जन्म हुई थी। उसके बाद में उन्होंने शादी के बाद में उन्होंने धर्मराज का स्मरण किया, उनकी अंश से श्री युधिष्ठिर महाराज हुए, तब उन्होंने पवन कुमार को उन्होंने स्मरण किए, उनकी कृपा से श्री भीमसेन हुए, और उन्होंने इंद्र को स्मरण किया, इंद्र की कृपा से श्री अर्जुन जन्म हुए। इसलिए कुंती से चार बच्चे जन्म हुए थे, और उसमें तो तीन बच्चे थे ना, कौन कौन? युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, ये सब के सब कृष्ण के ये परम भक्त, सब के सब परम भक्त हो गए, और उन्होंने कितना उन्होंने भगवान के लिए कितना सेवा की। इसलिए भगवान जिनको जिस अर्जुन को उपलक्ष्य करके कृष्ण स्वयं ये गीता की उन्होंने उपदेश उन्होंने प्रदान किया है, गीता की उन्होंने उपदेश उन्होंने प्रदान किया। यहीं पर दुर्वासा ऋषि रहते थे, जब रहते थे ब्रज से, ब्रज गोपियां लड्डू कचौड़ी
মালপুয়া আপনারা হিন্দি বুঝতে পারছে? কারা হিন্দি বুঝতে পারছেন না? সব এই জন্য বাংলা বলেছি শুনুন, এই জন্য এখন দুর্বাসার এসে যেখানে এখানে থাকতে একদিন গোপীরা কি করছে, লাড্ডু কচুরি মালপুয়া বাংলায় পিঠা বানাতে খুব ভালোই হয়। হ্যাঁ, আপনারা কিছু বানার খাচ্ছে না, খাওয়া আছে না, শুধু এসে গেছে। এই জন্য পিঠা পানা বানিয়েছে, পিঠা পানা বানিয়ে এখানে কৃষ্ণকে বলছে, কৃষ্ণ বলো আমি আমরা তোমার যে গুরু আছে না দুর্বাসার কাছে, আমরা এইগুলো নিয়ে খাওয়াতে চাই। বলো কি করে যমুনাটা কি করে পার হবো, যমুনায় তো অনেক জল আছে। কৃষ্ণ বললে দেখো ওই যমুনার কাছে কি বলবে, যদি কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী হয়ে থাকে তবে আমাদের রাস্তা দিয়ে দাও। আর সত্যি সত্যি যখন গোপীরা বলে না, যদি কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী হয়ে থাকে তাহলে আমাদের রাস্তা দিয়ে দাও, বলার সঙ্গে সঙ্গে যমুনা দুধার হয়েছে, একদম দু সাইজ হারিয়েছে। আর ওরা চলতে 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 এখানে চলে এসেছে, আর এসে দুর্বাসার এসে খুব লড্ডু কচুরি মালপোয়া পিঠা পানা খুব খাওয়াইছে। খাওয়াই এখানে দুর্বাসাকে বলছে, আমরা কি করে যমুনা পার কি করে হব? বলে তোমরা যমুনা গিয়ে বলবে, যদি দুর্বাসা খিদাই থাকে, যদি কিছু না খেয়ে থাকে, হ্যাঁ দুর্বাসা যদি কিছু না খেয়ে থাকে না, তাহলে যমুনা আমাদের রাস্তা দিয়ে দাও। বলে কি, দেখতে দেখতে আমরা যত পিঠা পানা লাড্ডু কচুরি সব খেয়ে নিলে, আজ তুমি যদি না খেয়ে থাকো কি করি হলো? বলে গুরু যেরকম না চেলা সেইরকম, গুরু গুরুকে দুর্বাসা বলে, চেলাকে বলে কৃষ্ণা, কৃষ্ণ আমাদের ছাড়া এক মিনিট থাকতে পারে না, আমাদেরকে নিয়ে সবসময় খেলাধুলা করে। আর ও হয়ে গেছে ব্রহ্মচারী, হ্যাঁ ও ব্রহ্মচারী হয়ে গেছে, আর তুমি দেখতে দেখতে সব খেয়ে নিলে, আর তুমি কি বলছো আমি কিছু খাইনি? বলে গুরু যেরকম শিষ্য ওইরকম। তখন জিজ্ঞাসা করলেন, দেখি বলো এর রহস্য কি? তখন তিনি রহস্য বললেন, দেখো কৃষ্ণ হলুদনি হলুদনি দেবে না কেন, হরে কৃষ্ণ। এই জন্য তিনি বললেন, দেখো কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী কি করে হলো? হ্যাঁ বলে ব্রহ্মচারী মানে কি, মানে যিনি সবসে ব্রহ্ম বিচারণ করে, আর তিনি হলেন ব্রহ্মচারী। আর তবে কৃষ্ণকে কি বলা হচ্ছে, আত্মা রাম আর আপ্ত কাম, আত্মা রাম আর আপ্ত কাম কৃষ্ণ, যিনি সব সময় নিজে আত্মার মধ্যে তিনি রমণ করে। বলে ওনার আত্মা কে? বলে ওনার আত্মা হলো শ্রীমতী রাধা রানী। অতএব কৃষ্ণ যে বিহার করছেন, কার সঙ্গে তিনি বিহার করছেন? বলে তিনি নিজে নিজের সঙ্গে তিনি বিহার করেন। যদি আমি এই হাত দিয়ে এই হাতটাকে ধরি, তাতে কোনো দোষ আছে কি? আমার এই হাতটা যদি এই হাতকে ধরে বা নিজের হাতে দিয়ে নিজেকে যদি আমি আলিঙ্গন করি, দোষ আছে কিছু? অতএব রাধারানী তিনি কে? বলে কৃষ্ণই তিনি লীলা করার জন্য তিনি অভিন্ন রূপে তিনি রাধারানী রূপে প্রকট হয়েছেন। এই সখীরা হলো কে? মানে যখন রাধারানী তিনি দেখলেন আমি একা গোবিন্দের সেবা করতে পারবো না, তখন রাধারানীর একটি একটি ভাব তিনি অনন্ত গোপী রূপে সেখানে প্রকটিত হয়, অনন্ত গোপী রূপে। অতএব কৃষ্ণ যে লীলা করছেন না, তিনি অন্য কার সঙ্গে তিনি লীলা করছেন না, তিনি নিজে নিজের সঙ্গে তিনি লীলা করছেন। হ্যাঁ অতএব নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি, অতএব তিনি নিজে নিজের সঙ্গে সেখানে লীলা করছেন, তিনি অন্যের সঙ্গে লীলা করছেন না। অতএব তিনি হলেন ব্রহ্মচারী, তিনি নাথা কি জগতে আমি নামা জগতে, ভগবান জানে আমি জগতের মধ্যে নেই, জগৎ আমার মধ্যে নেই, আমি সবকিছু করে হতে নির্লিপ্ত। যেন গোপীরা কৃষ্ণ বংশী বাজিয়েছেন, যেন গোপীরা আসে না, কৃষ্ণ তিনি কি বলেছেন? বলে ভালো হয়েছে এসেছ, খুব ভালো কথা, দেখো জঙ্গলের শোভা দেখো, তোমার হলো পতিব্রতা নারী, পতিব্রতা নারীদের ধর্ম হলো পতি সেবা করা, যাও পতি সেবা করা। ভগবান সবকিছু করে তিনি সেখানে নির্লিপ্ত, সেখানে তিনি লিপ্ত না। এই জন্য ভগবান তিনি কে? তিনি হলেন ব্রহ্মচারী। দুর্বাসা তিনি সমস্ত কিছু খেয়ে দিয়ে বলছেন আমি কিছু খাইনি, বলে কি করি হলো, তুমি তো সবকিছু খেয়ে নিলে। হ্যাঁ ভক্তরা না খায় না, ভক্তরা খায় না, ভক্তরা কি করে বলো, ভক্তরা কি করে, খায় না তো কি করে বলো, সেবা করে, এইটুকু কথা বলতে পারছে না পন্ডিত সব। এই জন্য ভক্তরা কি করে খায় না, ভক্তরা কি করে সে প্রসাদ সেবা করে, খাওয়া মানে হল ভোগ। হ্যাঁ এই জন্য আমরা বলি না মহাপ্রসাদ খাওয়ার আগে বলি সাধু সাবধান, কি বলি সাধু সাবধান, ফের কই কর অবধান, মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নাম ব্রহ্মণে বৈষ্ণবে স্বল্প পুণ্যং বতং রাজন বিশ্বাস নেই বিজয়, বলি সাবধান।
এইজন্য কি মহাপ্রসাদ গোবিন্দ নাম বরম ব্রহ্মণে যাদের অল্প পুণ্য আছে না এদের প্রতি বিশ্বাস হয় না প্রসাদ হল সাক্ষাৎ কৃষ্ণ স্বরূপ এই জন্য আমরা খাই না সেবা প্রসাদ কে এই যে নিয়ম হলো খাওয়া এলো সঙ্গে সঙ্গে বাঁচ বস পড়লাম হ্যাঁ আক্রমণ করতে আরম্ভ করলাম না প্রসাদ এলে যে জয় ধ্বনি দিয়ে প্রণাম করে তারপরে প্রসাদ সেবা করতে হয় এই জন্য এই জন্য তিনি বলছেন আমি বৈষ্ণবরা খাই না কি করে বৈষ্ণবরা সেবা করে এই জন্য তারা সমস্ত কিছু গ্রহণ করে ও সেখানে এখান থেকে নির্লিপ্ত কাহার মধ্যে তিনি বন্ধনে থাকে না এই জন্য গুরু যেরকম চেলা যেরকম এই জন্য এখানে অনেক লীলা সত্য ত্রেতয়া দুহাপর কলি চার যুগের লীলা এখানে কৃষ্ণ করেছেন ওইদিকে ওইদিকে গুরুদেব তিনি ওইদিকে অনেক তিনি লীলা তিনি করেছেন হ্যাঁ ওখানে চারিদিকে অপূর্ব অপূর্ব ওখানে সব গুরুদেব সব লীলা অঙ্কন করেছেন হ্যাঁ এই যে জায়গাটি না ওই গ্রামের জায়গা ছিল এখানে কেউ লোক লোক আসতো না এখানকার লোকরা গুরুদেবের কাছে আসে আর আমাদের তীর্থ মহারাজ আছেন না এই যে মন্দির যখন তৈরি হয় এর প্রতি তীর্থ কেউ বলতে কে যাবে একটু ছোট একটা জায়গা ছিল কে যাবে ওখানে চারিদিকে রৌদ্র রৌদ্র কে যাবে হ্যাঁ তারা এসে গুরুদেবের কাছে বললে গুরুদেব এই জায়গার সেবা পূজা হচ্ছে না কিছু হচ্ছে না আপনি কৃপা করে নেন তখন গুরুদেব তিনি এই বিশাল তিনি মন্দিরকে তিনি গুরুদেব বিশাল মন্দির তিনি স্থাপন করেন ওই যে গোশালায় গিয়েছিলাম না ওই গোশালাটাও স্থাপন করেন এখানে তীর্থ মহারাজ সকালে বিকালে তিনি যেতেন এখানে সমস্ত কাজ টাজ করে আর যখন মন্দিরটা হয় এখানকার লোকরা না বহু ভাবে তারা ঈর্ষা দ্বেষ করে হ্যাঁ ঈর্ষা দ্বেষ করে আর যখন মন্দিরটা হয়ে গেছে না গ্রামের লোকরা মনে করছে ভালো হয়েছে মন্দির হয়ে গেছে এবার আমরা দখল করবো মন্দিরটাকে হ্যাঁ এবার দখল করবো এর জন্য ওরা চেষ্টা করেছিল কিন্তু গুরুদেবের দুর্ভাষা ঋষি তিনি দুর্ভাষা না তিনি বলেন তিনি শঙ্করের শিবের অবতার ধ্বংসের কারণ তিনি একটু ঝগড়াটা লাগিয়ে দিয়েছেন এখানে হ্যাঁ অতএব যে কোনো ভাবে সব কিছু সুবিধা হয় এখানে সুন্দর ভাবে ঠাকুরের সেবা পূজা হচ্ছে হ্যাঁ সব বহু লোকরা এখানে দর্শন করতে আসে এই জন্য আমরা গুরু বৈষ্ণবদের কৃপা এখানে এসেছি এখানে প্রণাম করুন দুর্গা সারিছি শিবের তিনি অবতার তিনি হ্যাঁ তিনি হলেন বৈষ্ণব নাম যথাসম্ভু বৈষ্ণবদের তিনি মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ওনার কৃপা হলে ভগবানের ভক্তিতে আমাদের প্রবেশ হবে দুর্গা সারিছি আমি সবাই উপরে তিনি আশীর্বাদ কৃপা করুন যাতে আমরা ভগবানের ভক্তি যাতে আমরা করতে পারি বলে শ্রী দুর্ভাষা ঋষি কি বলে রাধা বিনোদ বিহারী জিউ কি এইদিকে এইদিকে দেখুন শ্রী জগন্নাথ মহারাজ হ্যাঁ মাঝখানে রাধা কৃষ্ণ মহাপ্রভু রাধা বিনোদ বিহারী মহাপ্রভু আর এইদিকে বাম দিকে দেখবেন শ্রী যমুনা পটরানী এই জন্য গুরুদেব দেখলেন পাশে যমুনা এখানে যমুনার কোনো মূর্তি ফুর্তি বোঝাই নেই বিগ্রহ নেই এই জন্য গুরুদেব এখানে তিনি যমুনা দেখলে তিনি এখানে গুরুদেব বিগ্রহ স্থাপন করেন বলে শ্রী যমুনা মহারানী কি বলে যমুনা দেবী কি হ্যাঁ দেখো ভালো এবার শুনুন এরপরে না আমরা ওখানে একটু প্রসাদ দিচ্ছে পরমান দিচ্ছে আপনার পরমান খেয়ে এখানে পরমান খেয়ে যখন আমরা পার ধ্যান দিয়ে শুনো যখন আমরা পার হবো না এক সঙ্গে কেউ লাভ দিয়ে পড়বে না মত উঠাবো একদিক কিন্তু যমুনা না অনেক জল বেরিয়ে আছে আর যদি নৌকা ডুবে যায় না বল হরি হরি বল হয়ে যাবে এই জন্য যখন নৌকার মধ্যে বসবেন মাত্র 15-20 জন বসবেন নতুবা মাঝখানে ডুবে গেলে আপনারা তো বাংলার লোক সাঁতার জানেন তো সাঁতার কারা সাঁতার কাটতে জানো বলতে চাইছিলাম বার যে বলে সঙ্গে দ্বারকায় পরমান হরি হরি বল সবাই পরমান খান এখানে সবাই ক্ষীর খান আর ধীরে 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 Thank you.